Hey guys, welcome back to my channel once again. तो friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो friends, एक बार फिर हम हाजिर हैं मॉर्निंग के डोज के साथ, यानी कि आपको बेहतरीन जो है शिक्षा जगत और रोजगार से संबंधित जानकारी आपको हम देंगे। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि कल 1 तारीख को महारैली का आयोजन हुआ था, जो कि सचिवालय तक जो है कूच करना था, और उसके अलावा नोरन खेड़ा यानी कि जो शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन जो है यहाँ पर इन्होंने धरना देने को कहा है, क्योंकि 9 तारीख को, यहाँ फ्रेंड 9 जुलाई को इसकी सुनवाई कोर्ट में होनी है। और आपने देखा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किस तरह से उसका ढीला ढाला रवैया होता है। तो यह जो कैंडिडेट्स हैं एलटी के, उनकी मांग है कि उनकी पैरवी की जाए और फास्ट ट्रैक में जो है इसकी सुनवाई की जाए। बाकी क्या होता है वो तो हम आने वाला समय बताएगा, और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 20 साल से कम उम्र पर बीएड में दाखिला रद्द होगा। जी हाँ, ये कहना है उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय ने, बीएड एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले 20 से कम आयु वाले कैंडिडेट्स को प्रवेश नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनाक्षी सिंह रावत, जो संयोजक बीएड हैं उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुसार 20 वर्ष से कम आयु के छात्र बीएड में एडमिशन के पात्र नहीं पाने जाते हैं। इस संबंध में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही प्रोस्पेक्ट भी छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह नियमों को भली भांति पढ़ लें। जैसे कि आपको पता है काफ़ी कैंडिडेट अपनी जो सर्टिफिकेट में है अपनी उम्र जो है काफ़ी कम लिखवाते हैं। नहीं तो नॉर्मल अगर कैंडिडेट सही ढंग से अगर उसने स्टडी की हो, ऑलमोस्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 से लेकर 15 तक जो है वो हाई स्कूल करता है, 2 साल आप उसको इंटर मान लीजिए 17, और 3 साल अगर आप उसको ग्रेजुएशन मान लेंगे तो 20, ऑलमोस्टली 20 एज के आसपास उसका स्नातक होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि काफ़ी कैंडिडेट जो है अपनी उम्र जो है कम लिखवाते हैं सर्टिफिकेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका क्या रीज़न है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। आगे बढ़ते हैं, सचिवालय में समय पर हो फाइलों का निस्तारण, ये कहना है हमारे सीएम धामी जी का। जैसे कि आपको पता है कि सचिवालय में रोज कोई ना कोई जो है आंदोलन होने रहता है, कोई ना कोई जो है सचिवालय कूच करता है, क्योंकि आपको पता है किस तरह से वहाँ पे काम होता है और कितना ढीला ढाला रवैया होता है। हालांकि धामी 2.0 में जो है उन्होंने काफ़ी तत्परता बरती है, बाकी अब तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, आउटसोर्सिंग नौकरी के लिए सिक्योरिटी पर रोक। जैसे कि आपको पता है कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आउटसोर्सिंग से जॉब के लिए जो कंपनी है 40,000 रुपीज सिक्योरिटी मनी ले रही है, जबकि 13,000 जो है वहाँ की सैलरी है। लेकिन यहाँ पर जब ये बात काफ़ी आगे तक पहुँची तो आप देख सकते हैं राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, नर्सिंग कॉलेजों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किए जा रहे कर्मचारियों की सिक्योरिटी मनी नहीं देने पड़ेगी, ये कहना है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट करते हुए। कर्मचारियों से सिक्योरिटी ले रही फर्म को नोटिस जारी कर दिया गया है। हालाँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये कौन सी है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात देने वाली फर्म TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। फर्म को 12 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया। हालांकि ये जो TDS है ये जो है काफ़ी इस तरह की कंपनी है कि इस पर बार बार जो है सवाल उठते हैं। इनकी बड़ी फर्म जो है आपने आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्तराखंड एम्स ऋषिकेश में भी भर्तियां की गई हैं, जिसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन ऐसे ही होता है जब आपकी कमान हाथों से बाहर निकल जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स से मुझे बताना जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है एडमिशन से लेकर। तो वानिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पर आपको BSc, MSc और PhD में जो फॉर्म भरे जाएंगे 15 जुलाई तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.whf.ac.in से आप भर सकते हैं। जहाँ पर BSc में 29 और उसके अलावा कृषि और उसके अलावा औद्यानिक में 44 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा आप इसमें MSc और उसके अलावा PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बीरचंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो अगली बार यहाँ पर हमने इसको आपको खबर ऑलरेडी बता दिया है कि बेरोजगारों का CM आवास कुछ, इसको लेकर हम
डिटेल वीडियो इसके बाद लेकर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू नहीं कराने पर युवकों का फूटा गुस्सा। तो सोचिए पहले मेडिकल कॉलेज में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, पहले स्टाफ की काफ़ी कमी होती है, लेकिन जब आउटसोर्सिंग से हायर किए जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए गए बेरोजगारों की भीड़ ने अल्मोड़ा में इंटरव्यू नहीं होने पर जो है हंगामा किया गया। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर आरसी पंत जो सीएमओ अल्मोड़ा है उनका क्या कहना है कि पूछताछ में पता चला है कि आउटसोर्सिंग कंपनी को भर्ती के लिए टेंडर मिला है, विभिन्न पदों के लिए पदों की साक्षात्कार के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी नहीं की थी, कंपनी को इंटरव्यू से पहले समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने का निर्देश दिया गया था। तो सोचिए इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन कैंडिडेट्स को अंदर से इन्फॉर्मेशन थी वही कैंडिडेट वहां पर इंटरव्यू देने गए थे। हम लोग इतना जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिन भर इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं, आपके लिए लाते रहते हैं, यहां तक हमको भी नहीं मालूम था कि वो अल्मोड़ा में इस तरह की भर्ती निकली हुई है। उसका साफ कारण आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सीएमओ है उनका भी कहना है कि प्रचार प्रसार के लिए व्यवस्था भी नहीं की गई थी, विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार कंपनी को इंटरव्यू से पहले समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करने को कहा गया था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ पर उसको अपने आदमी यहाँ पर डालने थे अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई पारदर्शिता भी जो है ट्रांसपेरेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर कि युवाओं को 243 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। जहां पर आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड वन विकास निगम लिमिटेड है वहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 200 यहां पर जो पोस्टें होंगी अलग से होंगी यानी कि स्केलर की, और यहां पर जो 31 होंगी वो सहायक लेखाकार की होंगी, और जो 12 पोस्ट रहे लॉन्गिंग अधिकारी की होंगी जो आपकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाएंगी। तो ये रही यार आज की मॉर्निंग डोज, जहां पर हमने एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।